और ये रियल क्रिकेट 20 के 1979 वाले वर्ल्ड कप की गेम प्ले की वीडियो है और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच हम इंडियन टीम चूज करके खेलने वाले हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। और वेस्ट इंडीज की टीम ने यहाँ पर टॉस जीत कर किया था बॉलिंग का फैसला और हम पहले आए बैटिंग करने। और 1975 का जो वर्ल्ड कप का मैच था वो हम खेल चुके हैं, तो उसकी वीडियो भी चैनल पर है। और अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक है जहाँ पर 1975 के वर्ल्ड कप की गेम प्ले की वीडियोज़ हैं, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। और फिलहाल हम इस मैच की जो बात करें तो वो ऐसा है कि इस मैच की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई। पहले सुनील गावस्कर का विकेट गया, फिर उसके बाद दो और विकेट्स गए और 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर कुछ ऐसा था हमारी टीम का स्कोर। और ये जो कुछ अभी रन्स बनेंगे वो थोड़े बहुत ही रन्स बने थे, उसके बाद फिर कुछ विकेट गिरे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक 3 चौके लगातार लग चुके हैं और 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये एक शॉट हमने खेला मिडॉन के फील्डर की तरफ और ये आप जाहिर सी बात है देख सकते हैं ये रन आउट हो गया और रन आउट के चलते एक और विकेट गया हमारा। और जो पहला विकेट हमारा गया जो सुनील गावस्कर का विकेट था वो भी रन आउट के चलते गया था और 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर इंडियन टीम का स्कोर। और कपिल देव हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर, बी पटेल हैं स्ट्राइकर एंड पर, 32 रन इन्होंने बनाए हैं और 20 रन पर खेल रहे हैं कपिल देव। और कपिल देव की फ़ोटो तो वैसे आपने देखी ही होगी हमारे थंबनेल पे, वैसे तो आपने बहुत बार देखी होगी पर हमारे थंबनेल पे हमने कपिल देव की फ़ोटो ही लगाई है। एक तो वो क्योंकि वो हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट प्लेयर हैं और दूसरी इस वजह से क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा दूसरी वजह कौन सी थी। यहाँ पर फिलहाल बी पटेल 48 रन पर खेल रहे हैं और हाफ सेंचुरी भी उनकी कंप्लीट हो चुकी है और ये एक शॉट कपिल देव के बैट से और एक छक्का लगाया उन्होंने और इस एक छक्के के साथ 46 रन पर पहुंच चुके हैं। और एक और शॉट एक बाउंड्री और इस बाउंड्री के साथ पूरा किया उन्होंने अपना अर्धशतक और 61 रन बी पटेल और बोल्ड हो चुके हैं, विकेट जा चुका है उनका। और एम अमरनाथ मोहिंदर अमरनाथ और इनकी अगर हम बात करें 1983 का जो रियल वर्ल्ड कप था वो हमारा गेम नहीं, हमारा गेम तो अभी वैसे भी 1983 के वर्ल्ड कप का कोई मैच आया नहीं है, वो आने को है और कुछ टाइम में वो भी आ जाएगा। पर 1983 के वर्ल्ड कप के गेम प्ले की हम बात करें, गेम प्ले की नहीं ओरिजिनल मैच की बात करें, तो उसमें मोहिंदर अमरनाथ ने काफ़ी अच्छी इनिंग्स और काफ़ी बार अच्छी इनिंग्स खेली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 63 रन 71 बॉल्स पर कपिल देव बनाकर जा चुके हैं और वो ही थे जिन्होंने इस मैच को यहाँ तक लेकर आया और 179 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और अब यहाँ से हम कुछ ज़्यादा आगे लेकर नहीं जा सके, ज़्यादा आगे या ज़्यादा दूर तक नहीं लेकर जा सके अपनी इनिंग्स को, इंडियन टीम की इनिंग्स को। और 193 रन 9 विकेट के नुकसान पर और ये लगा एक छक्का और इस एक छक्के के बाद हमारी टीम जो है वो ऑल आउट हो चुकी थी और 10 विकेट जा चुके थे, ऑल आउट हो गई। और उसके बाद आई बैटिंग करने वेस्ट इंडीज़ की टीम और जब टारगेट इतना छोटा सा मिला 199 तो हमने बनाए थे और 200 का एक छोटा सा टारगेट मिले तो वो तो चेज़ करने में कोई भी मुश्किल होगी नहीं और वो ही हुआ यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए। 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर और ये 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अभी तक एक छक्का लग चुका है और अर्धशतक हो चुका है वेस्ट इंडीज़ की टीम का। और एक चीज़ की हम अगर बात करें तो पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा शॉट्स लगाए, मतलब वो जो कहा जाता है ना अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स, वो काफ़ी ज़्यादा लगाए हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम के प्लेयर्स ने। और वैसे हमारे हिसाब से तो उन शॉट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये एक पहला विकेट था जो ग्रीनिज का विकेट हमने लिया था और उसके बाद विकेट्स थोड़े बहुत लिए हमने, ये 66 रन हो चुके थे एक विकेट के नुकसान पर, यहाँ तक कोई खास विकेट नहीं गिरा था पर उसके बाद एक विकेट हमने लिया, फिर धीरे धीरे करके एक दो विकेट और हमने लिए थे पर जैसा कि ओके तो ये एक विकेट और 77 रन एक विकेट और हो चुका था वेस्ट इंडीज़ की टीम का, पर उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं वो इस वजह से क्योंकि अभी थोड़ी देर में एक प्लेयर आने वाले हैं। यहाँ पर फिलहाल एक विकेट और गिरेगा और उसके बाद आएंगे एक प्लेयर जिन्होंने काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी और उन प्लेयर का नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब वो आएंगे तो फिर मैं नाम बताऊंगा कि किस प्लेयर ने अच्छी इनिंग्स खेली थी। और अभी तक तो विकेट वैसा कोई गया नहीं है और बिल्कुल ये एक और छक्का और
काफ़ी ज़्यादा छक्के काफ़ी ज़्यादा चौके लगाए थे वेस्ट इंडीज़ की टीम के प्लेयर्स ने, और पूरी टीम ने वैसे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, चाहे वो बॉलिंग की बात हो या फिर बैटिंग की बात हो या फिर फील्डिंग की भी बात हो, क्योंकि फील्डिंग में जाहिर सी बात है इतने अच्छे कैचेस पकड़े और उसके बाद फिर ये ओके तो 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और विकेट जा चुका है उनका। और अब आ चुके हैं क्लाइव लॉयड, और इन इनिंग्स में इन्हीं की बात कर रहा था, और अब यहाँ से जो इन्होंने स्पीड पकड़ी मतलब 8 रन और वो भी 19 बॉल्स पर 8 रन ये बनाए हैं, और यहाँ से जो इन्होंने स्पीड पकड़ी वो चौके फिर एक ये छक्का, और इसके बाद यहाँ से जो स्पीड है 26 रन 27 बॉल्स पर, और ये एक और शॉट, और इस एक शॉट के साथ 30 रन 28 बॉल्स पर, और स्ट्राइकर एंड पर अभी भी है, और इसी के साथ एक और छक्का लगा यहाँ पर, और इस एक छक्के के साथ हो चुके हैं 41 रन क्लाइव लॉयड के, और एक काली चरण ये पूरा ऐसा कुछ नाम लिखा था, और बिल्कुल 202 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और वेस्ट इंडीज़ की टीम जीत गई ये मैच।